नमस्कार, मैं हूँ युक्ति और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मसाला प्लेस में। आज हम स्वादिष्ट और पाचक वर्धक चूर्ण बनाएंगे जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुकनू के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज हम कानपुर का स्पेशल बुकनू बनाएंगे जिसे हम रोटी, पराठा, पूरी पर लगाकर या फिर दही, रायता, सैलड पर डाल करके भी खा सकते हैं। ये स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ में ये डाइजेशन में भी सहायक होता है। अगर आप कभी कुछ ज्यादा ही तला भुना खा लें तो आप यह बुकनू खाकर उसे आसानी से पचा भी सकते हैं। तो आइए इसे बनाइए मेरे साथ और आप खाइए अपनों के साथ। तो आइए सबसे पहले बुकनू बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें चाहिए बड़ी इलायची 25 ग्राम, सूखा आंवला 50 ग्राम जो कि पाचन के लिए लाभकारी माना जाता है, साथ ही त्वचा और बालों के लिए गुणकारी औषधि है। फाइवरिंग 20 ग्राम, ये देखने में तो काली मिर्च जैसी होती है पर यह अपच को दूर करती है। पीपली 20 ग्राम, ये जी मचलाना और उल्टी रोकने में भी सहायक होती है। जीरा 25 ग्राम, यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सौंफ 25 ग्राम, यह मुख की दुर्गंध को दूर करता है। मरोड़ फली 20 ग्राम, यह कफ और पित्त को खत्म करने में सहायक होती है और साथ ही पेट दर्द में भी लाभकारी होती है। अजवाइन 25 ग्राम, यह पेट की बीमारियों को दूर करती है। बहेड़ा 50 ग्राम, यह सभी प्रकार की पेट की संबंधित समस्याओं को दूर करने में असरदार है। यह वात पित्त और कफ को संतुलित करता है। छोटी हर 50 ग्राम, यह पाचन और कब्ज संबंधी समस्याओं में लाभकारी होती है। हल्दी 100 ग्राम, हल्दी एक अच्छी एंटीबायोटिक होने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी है। बड़ी हर 50 ग्राम, यह पेट संबंधित रोगों में तो लाभकारी है ही, साथ ही में इसका सेवन करने से बवासीर में भी लाभ मिलता है। सौंठ 25 ग्राम, खाने वाला नौसादा 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम और 5 ग्राम अच्छी क्वालिटी की हींग। सेंधा नमक 50 ग्राम जिसे हम लाहौरी नमक भी कहते हैं, काला नमक 100 ग्राम, सादा नमक 150 ग्राम और सरसों का तेल। इनमें से कुछ मसालों को तलने के लिए हम सरसों के तेल का यूज करेंगे। अगर आपके पास इनमें से कुछ मसाले नहीं हैं तो बुकनू को उनके बिना भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और उसमें बहेड़ा डालेंगे और इसे हम तल लेंगे। इसे हम एक या दो मिनट ही तलेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बड़ी हरड़ को एक से दो मिनट के लिए तल लेंगे। ये फूल कर ऊपर आ जाती हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम हल्दी को भी कलर चेंज होने तक तेल में भून लेंगे। बुकनू बनाने के लिए हम पतली वाली हल्दी का यूज करते हैं। मोटी वाली गांठ हल्दी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है और इसे भी निकाल लेंगे। अब हम सोट को भी कलर चेंज होने तक तल लेंगे। सोट गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाता है। अब हम छोटी हरड़ को भी तल लेंगे। ये देखिए ये कैसे फूल कर अपने आप ऊपर आ गई हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने कुछ मसालों को तेल में तल लिया है। अब हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। मरोड़ फली को एक से दो मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बड़ी इलायची को रोस्ट करेंगे दो से तीन मिनट के लिए। खाने के बाद बड़ी इलायची के दाने खाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सूखे आंवले को रोस्ट करेंगे दो से तीन मिनट के लिए और इसे भी निकाल लेंगे। अब हम पीपली को रोस्ट करेंगे एक से दो मिनट तक और इसे भी निकाल लेंगे। अब हम वाइब्रेंट को एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। ये सभी मसाले हमें लो फ्लेम पे भूनने हैं। अब जीरा को एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे और इसे भी निकाल लेंगे। अब हम सौंफ को भी एक मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। यह मुंह की दुर्गंध को दूर करने में सहायक होता है और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अजवाइन को भी एक मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे
अब हम हींग को भी अजवाइन के साथ में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हमने कुछ मसाले तल लिए हैं और कुछ मसाले भून लिए हैं। अब हम इन मोटे मसाले जैसे बहेड़ा, हल्दी, सौंठ और हरड़ को पहले मोमदस्ते में कूट लेंगे, जिससे इनके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे और इनके बीज आसानी से निकल जाएंगे। कूटने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं। अब हम मसालों को मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए जो मसाले हैं जिन्हें हमने रोस्ट नहीं किया है, जैसे कि काली मिर्च और इलायची डालकर इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, ये अभी बारीक नहीं पिसा है, ये अभी मोटा ही है। अब इस स्टेज में इसमें नौसादर और सेंधा नमक डालकर इस मिक्सी में एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें काला नमक और सादा नमक डालकर मिक्सी में इसे पीस लेंगे। ये देखिए, स्वादिष्ट बुकनू बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बार छन्नी से छान लेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि यदि पीसते समय कोई मोटा कण इसमें रह गया हो तो हम उसे दोबारा पीस लेंगे। बुकनू में नमक की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, पर वैसे तो बुकनू में थोड़ा चटक नमक ही खाया जाता है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके साल 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बारिश के दिनों में बस इसे थोड़ा सा नमी से बचाना होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।